चलें वेलकम टू ऑल। और वेलकम किस लिए, आज हम लोग लेंगे आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट इन 11th क्लास। और इस चैप्टर में से आप देखेंगे फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस लगभग हर साल आपको नज़र आएगा आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, नेस्ट में, नीट में, या आपका जी मेंस, इन सभी में आपका एकाध क्वेश्चन हर साल लगभग आता ही रहा है। और जब आता ही रहा है तो अब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ सालों के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेते हैं, सारों के कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। आज का टॉपिक जो हम लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस लेंगे, और डायमेंशनल एनालिसिस पे जाओगे तो आप देखेंगे आपसे बता दिया जाता है इन स्टार्टिंग दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। और तीन पार्ट जो हम मोटे तौर पर डिवाइड करते हैं, जो बीच में कई सारे लोग पढ़ाते समय, चूँकि टेंथ से आए थे तो पूछते ही 11th और सर इतना लंबा चैप्टर व्हेन इट विल एंड। एंड में मैंने कहा था पार्ट गिनते जाओ। पहला पार्ट हमने मेजरमेंट टेक्निक्स का लिया था, दूसरा पार्ट था आपका एरर एनालिसिस इन मेजरमेंट, जिसमें आपने रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एरर प्रोपेगेशन ये सब पढ़े थे। और थर्ड पार्ट हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस, जो भी हम करेंट में हमने सॉल्व किया इसी वीक में। फर्दर आप देखेंगे मेजरमेंट टेक्निक्स के जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने जो आपके रेगुलर बैचेस थे उन्हीं में, चूँकि कम क्वेश्चन थे उस पार्ट से तो आपके रेगुलर बैचेज में ही सॉल्व कर दिए थे। लास्ट आपको याद होगा ये हमारा पार्ट सेकंड है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, और प्रीवियस ईयर पेपर्स का पार्ट सेकंड इसलिए बिकॉज इन दी फर्स्ट पार्ट जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप देखेंगे आपके चैनल पे अवेलेबल है, वो हमने लिया हुआ था एरर एनालिसिस इन मेजरमेंट्स का, जिसमें हमने तमाम सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए थे एरर एनालिसिस वाले टॉपिक से। अब सारी जानकारियाँ मैंने इसमें दी थी, विच इज़ अवेलेबल इन रिकॉर्डेड फॉर्म ऑल्सो ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ अश्वमेध क्लासेस फिजिक्स बाई अमिताभ त्रिवेदी, आप समझ ही गए होंगे। अब आपका आज का टर्न काय का, नाउ इट इज़ द टर्न टू चेक। अब आप चेक करेंगे चूँकि डायमेंशनल एनालिसिस आप पढ़ चुके, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन द एकेडमिक लेवल और बोर्ड लेवल मैंने आपसे कंप्लीट करा दी। और एक मज़ेदार बात है, बोर्ड लेवल में भी मैंने अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा हायर रखा था। अब आप आराम से लेवल ऑफ नीट एंड जी मेन्स तक पहुँच सकते हैं बड़े आराम से, और ये चेक करेंगे कि हमने जो एकेडमिक्स के नाम पर पढ़ा वो भी सफिशेंट था या नहीं। आए सबसे पहले हम देखते हैं सिंप्लिसिटी के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ईयर 2000 to 2020। जैसे आप इन पिछले 20 सालों के मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पर्टिकुलरली बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि नीट वाले क्वेश्चन बायो वाले करेंगे मेंस वाले नहीं करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये सारे क्वेश्चन मैंने कहा ना जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए एकेडमिक लेवल पर करा रहा था वो यहाँ फिर मिलेंगे, बिकॉज सिलेबस इज सेम। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी में पूछा जाना है और ये सिर्फ मेंस में पूछा जाना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है। लेवल है हार्ड या टफ क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, थोड़ा सिंपल। अब सिंपल अपने ऊपर होता है, पढ़ रखा है तो सारे सिंपल है, और नहीं पढ़ा तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज टफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन नंबर वन विच इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, जी बोले ए है बस, चलो बढ़िया, मैं करता भी जाता हूँ बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने आपको शीट एडवांस में भेज दी थी कि आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो आप अपने आप चेक कर पाएंगे कि हाँ हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं, इसलिए मैंने शीट भेज दी थी, है ना। बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, एम्स 2002 का क्वेश्चन था। अलावा इसके साथ और भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, राजस्थान PET, CBSE, PMT यानी कि जिसे आज की डेट में आप नीट के नाम से जानते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तमाम सारी जगह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। मतलब अपने आप समझ में आता है टॉर्क, द डायमेंशनल फार्मूला टॉर्क इज कॉमनली आस्क्ड, यानी जब भी कोई एग्जामिनर पेपर बनाएगा चाहे वो बोर्ड में हो, फिल इन द ब्लैंक या मैच द फॉलोइंग में बना रहा हो, या किसी कॉम्पिटिशन में हो, तो उसकी प्रायोरिटी टॉर्क हो सकती है। एंड डेफिनेटली आपका आंसर सही है, जिन्हें ध्यान नहीं है उन्हें मैं याद दिला देता हूँ। टॉर्क होता था आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था तो आप रखेंगे फोर्स का MLT-2 और डिस्टेंस का आपने रखा L, सो इट विल बी MLT-2। अच्छा इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या थी, गड़बड़ कुछ नहीं थी। जनरली हम क्या होता है कई बार हम कहाँ अटक जाते हैं, हमारा बोलने का पैटर्न जिंदगी भर रहा है MLT-2। अच्छा अब इसमें उसने छोटा सा खेल कर दिया, कुछ नहीं शफल कर दिया, अब अपन ढूंढ रहे हैं ML2T-2, तो अपने जैसे लग ही नहीं रहे। ध्यान देखो आपका आंसर बिल्कुल सही था, ML2 और T-2। तो कई बार कॉम्पिटिशन्स में इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, ठीक है मतलब रटा रटा है पैटर्न बहुत हो गया, ऐसे रख दिया, समझ में आ रहा है। बाकी फॉर्मूला आप भी वही है, सो आप सही थे, विद इन 1 सेकेंड आप कर सकते थे।
डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी याद है, डायमेंशन बिल्कुल सही है, वेल डन, बढ़िया। डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज में आपको पांच क्वांटिटीज जनरली मैंने बताई हैं, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब याद आ जाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज़ वन ऑफ देम। रिलेटिव डेंसिटी आपकी कैसी होती है, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, बिकॉज द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल। क्यों ऐसा मत सोचना मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बोले हमने तो आंसर बता दिया फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है डिस्कशन करना, बस अभी है कि आपको जल्दी 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 समझ में आता जाएगा, बस इतनी सी बात है, क्योंकि अपन ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके और पढ़ा चुके। रिलेटिव डेंसिटी आपकी क्या थी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, दैट्स वाई इट इज़ क्लियर, इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दैट्स वाई इट इज़ डायमेंशनलेस एंड दैट्स ऑल। और बहुत बेहतर कि आपका सेकेंड्स में आंसर आ रहे हैं, हमें सेकेंड्स में ही चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि जो यहाँ पर टाइम बचेगा वो हम बड़े क्वेश्चन में खर्च करेंगे, ठीक है ना। द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आपको जो स्पेशल फॉर्मूले लिखे हैं उनमें लिखा हुआ है, एंड आई होप सो बहुत सारे लोगों को अभी याद होना चाहिए। पहली बात तो बताओ, बिल्कुल सही जवाब, अरे इतना सब मत बताओ, बस फोर्थ या इससे काम चला सकते हो, है ना। और जो बेचारे बोल नहीं पा रहे हो वो, या जिन्हें ऐसा लग रहा हो जो सब क्यों बोल रहे हैं, वो चटिया भी सकते हैं ना, अपने पास चटियाने का ऑप्शन खुला रहता है, दे कैन गो थ्रू दिस। अमन सिंह तोमर ने लिखा डायमेंशन लेस, बढ़िया, पिछला वाला था ये आपका, सही था अमन सिंह। ये मैंने कहा ये आपको याद होना चाहिए, जनरली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ऐसा है कि अब एंड ऑफ द चैप्टर पर कहा जाएगा ये आपको याद होना चाहिए, एंड इट वॉज फ्रॉम नीट और ए आई पी एम टी 2004, बिकॉज नीट द प्रीवियस नेम वॉज ए आई पी एम टी 2004। जिन्हें याद है मैं आप बताऊँ, जी ये आपने कहाँ से निकाला है, आपने यहाँ से निकाला है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ध्यान याद है, अब मैं कॉम्पिटेटिव लेवल पर निकालूंगा मान के चलो याद नहीं है, एफ जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, जी का यहीं कहीं देखेंगे, एफ आर स्क्वायर। और अब मैंने कहा था अब बेटा इसमें मत कहना कि आराम से समझा के करो, इसमें समझाने का टाइम नहीं है, फॉर दैट पर्पज वी हैव टेकन वन वीक, अपॉन एम वन एंड एम टू, दैट मीन्स अपॉन एम एंड एम, आउट ऑफ विच वन एम विल गेट कैंसल्ड, सो इट इज एम माइनस वन, एम माइनस वन, देर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट्स वाई इट इज करेक्ट, आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड द एम माइनस वन एंड ओनली फ्रॉम दैट आई हैव डिसाइडेड दैट दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आपको मेरा तरीका समझ में आ गया, या तो याद हो और थोड़ा सा डाउट है तो भी टाइम सेविंग टेक्निक, पूरा नहीं निकाला एक बार में देखा है, हाँ एम माइनस वन के दो होते तो फिर आगे जाते, एल कितने हो रहे हैं फिर आगे जाते, ठीक। क्या है आपको, आप सभी को बात समझ में आ जाती है, हाँ है ना, बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस, हरियाणा पीएमटी, ठीक है बढ़िया, हरियाणा पीएमटी 2004, एम्स 2001, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं विच आर रिपीटेड। और जब आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये फाइव स्टार ऑप्शन है, किसको याद आया ये फाइव स्टार ऑप्शन है, फाइव स्टार इसलिए हमने लगवाए ना, इसलिए कह रहे हैं फाइव स्टार, भाई हमारे स्टूडेंट हो इसलिए कह सकता हूँ। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, और कितना है याद दिला दूँ, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, मोमेंटम एम एल टी माइनस वन इंटू डिस्टेंस, ये अभी इसको छोड़ता हूँ। एंगल एंड स्ट्रेन दोनों आपके डायमेंशन लेस हैं, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, स्ट्रेस एंड प्रेशर दोनों फोर्स अपॉन एरिया है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एक ही ऑप्शन बच रहा है ये वाला जो इसमें नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन लेंथ। और टेंशन याद होगा अभी कल परसों एक क्वेश्चन कर रहे थे स्ट्रिंग का टेंशन, मैंने कहा था टेंशन इज अ फोर्स, तो ये फोर्स है और ये फोर्स अपॉन लेंथ है, मतलब ये इस क्राइटेरिया में फिक्स नहीं होता, तो एक्चुअली जो नहीं है वही तो है, ये आंसर है, क्योंकि डज नॉट पूछ रहा था ना, तो चूंकि ये नहीं है इसलिए ये है। लैंग्वेज समझ में आ गई मेरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, फिफ्थ वन, पार्सेक, बहुत पुराना क्वेश्चन, डिस्टेंस कौन, बढ़िया, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस, पूजा सही जवाब है, कौन से डिस्टेंस, डिस्टेंस आस्था आपका जवाब सही है, कौन से डिस्टेंस की यूनिट है पार्सेक, सर उसमें होगा सर लंबाई नापते दूरी कैसे, हाँ किसकी दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल, हाँ कई बार अपन बताते हैं उसमें, मैंने उसमें किसमें, नो नो प्रोनाउन ओनली नाउन्स,
एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज नापने के लिए पारसेक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपको मालूम है ये आपको बताया गया है 1 पारसेक इज इक्वल्स टू होता है, वैसे हिंदी में कहता था 3.25 लाइट ईयर, बट जिन्हें 3.25 नहीं क्लियर क्योंकि आप सब कॉन्वेंट एजुकेटेड है ना, तो 3.26 लाइट ईयर्स। एंड लाइट ईयर विच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वन कम्प्लीट ईयर, एंड दैट लाइट विच गोज 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाने वाली लाइट एक साल में जितना चल जाती है, वो छोड़ो कितना हो तो अपन कैलकुलेट करते करते पागल हो जाएंगे, उसका भी 3.26 टाइम, दैट इज पारसेक। सो डेफिनेटली इट इज़ द लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज। ऑफ कोर्स यू आर क्वाइट करेक्ट, एम्स 2005। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कॉन्स्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखते हैं रेशियो ऑफ दिस एंड दैट, रेशियो ऑफ प्लांक कॉन्स्टेंट। अच्छा प्लांक कॉन्स्टेंट मैंने अभी एक बार पहले लिखा था, कहाँ गया ये रहा प्लांक कॉन्स्टेंट। इसलिए अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों मैंने इस चैप्टर में कहा था कि कई जगह क्या होगा, कुछ लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, सभी के लिए नहीं, आप सब तो बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, देन इट्स वेरी गुड। मैंने कहा कई सारे लोगों को जो ट्रबल आती है वो भी समझ में आ रही होगी कि हमें ये क्वेश्चन कहाँ आ रहे होते हैं, ऐसा होगा यार ये कोई प्लांक कॉन्स्टेंट बता दे, पीछे वाले पकड़ते हैं बता, वो कहता है मुझे खुद नहीं आता मैं कहाँ से बताऊँ। तो चलो ML2T-1 ये आपका रहा प्लांक कॉन्स्टेंट, रेशियो निकालना है प्लांक कॉन्स्टेंट ML2T-1 और अपॉन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी इसलिए मैं कहता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी ये होता था ML2। और यही खूबी थी डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक की, फॉर्मूले और डायमेंशंस दोनों क्लियर हो जाएंगी। डायमेंशन जो अपनी चल रही है तो अपना सिलेबस है, ये तो 11th का चले गई, और मैंने कहा था फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे, और कभी किसी डायमेंशन में कन्फ्यूज़न हुआ तो बेस पे लौट जाना, 1 सेकंड में निकाल लोगे क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ML2। ठीक, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ML2 ख़त्म कर दें, T-1 अकेला बच रहा है, एंड T-1 इज द फ्रीक्वेंसी विच इज़ 1/टाइम पीरियड। आप बिल्कुल सही हैं आप सारे लोग, लेकिन सारे लोग सही नहीं है, ये बताओ बाकी जो लोग जुड़े हैं उन्हें पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, कोई एक आदमी ऐसा भी जुड़ा हो कह रहा भगवान जाने क्या चल रहा है, बताओ ईमानदारी से बोलो, पूछ लूँ नाम लेके पूछूँगा, आप सब ने बोले कहीं हमसे नहीं पूछ लें तो फिर किससे पूछा जाए, चलो किसी से नहीं पूछ रहा आ रहा है सर माधव सिंह ने कहा मेरे को ना पकड़ लें कहीं है चलो आशुतोष माधव ये तो खैर बढ़िया है, आस्था आभी पूजा और बाकी लोग जो जुड़े हैं, चेतन सिंह भदौरिया आते आ रहे हैं, करते हैं साथ में, और इसलिए पहले शीट्स भेज देता हूँ, नेहल आ रहे हैं बराबर, ध्यान रखिएगा ये तो अभी शुरुआत है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, बहुत लंबी यात्रा है, पैटर्न समझ जाइएगा एक दो बार में क्या करना है, टॉपिक पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ लें, कोई दिक्कत है उसके वीडियो लेक्चर देख लें, जब आपकी ऑफलाइन क्लास रहेंगी वीडियो रिकॉर्डिंग तब भी रहती है, नहीं है क्लास में आपका मन नहीं लगा सर दर्द कर रहा था बाद में जाके वीडियो रिकॉर्डिंग देख लें, जब इस टाइप की शीट्स कराएंगे पहले से आपको दी जाएंगी, आप एक बार सॉल्व करके बैठें, आप सॉल्व करके बैठेंगे आपको मज़ा आएगा और दूसरों से इरिटेशन नहीं होगी। अच्छा सॉल्व नहीं किए होंगे ये सब चिल्लाएंगे तो गुस्सा आएगी, बोले बदतमीज लोग बीच बीच में बोल रहे हैं और हमें करने नहीं दे रहे, और किए बैठे होंगे तो उन्हीं के साथ शामिल हो जाओगे, बस ये ध्यान रखें। आए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरे ये तो फिर वही लौट पीट के वापस आ गया, और ये ध्यान दिया होगा क्यों इसे 5 स्टार कह रहे थे, क्योंकि प्लांक्स कॉन्स्टेंट ध्यान दिया होगा, प्लांक कॉन्स्टेंट और एंगुलर मोमेंटम 5 स्टार इसलिए थे, घूम फिर के अलग अलग जगह इसका रेशियो इसके इक्वल है इसके इक्वल नहीं है, कभी डायरेक्ट पूछ लिया, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया इसमें खुद में ही, तुम देखो ध्यान से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे ईयर्स और पीछे दो तीन बार हम इसको इस्तेमाल कर चुके, अब तो याद है डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लांक कॉन्स्टेंट, कोई बताओ फुर्ती से, मतलब बोले तो थर्ड वाला ना, ठीक है बढ़िया। अच्छा अभी ये जब ऑनलाइन में अपन है तो ए और बी बोलना अवॉइड किया करो, कई बार बी और डी समझ में नहीं आते तो सेकंड थर्ड फर्स्ट अपन ऐसे बोलेंगे ना, वो जल्दी समझ में आते हैं, तो समझ में आ रहा होगा कई बार ऑनलाइन में कहता है बी बोला कि डी बोला, कन्फ्यूजन हो जाता है ना, ठीक है।
डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, बहुत एक अच्छी सी चीज़ पूछ रहा है, ए और बी की डायमेंशन आपकी डिफरेंट है, अलग अलग डायमेंशंस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड, तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन वैलिड है? फर्स्ट, फर्स्ट बिल्कुल सही। ध्यान देखो, मैं आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी पढ़ता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी पढ़ता हूँ, बिल्कुल सही जवाब। ये कहता है टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली एंड ओनली व्हेन, दो फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन या सब्ट्रैक्शन केवल तभी संभव है व्हेन दीज हैव द सेम डायमेंशंस, यहाँ पर डिफरेंट है मतलब ये दोनों ऑपरेशंस तो हो ही नहीं सकते। यहाँ देखेंगे e माइनस ए अपॉन बी दिया है, मतलब समझ में आ रहा होगा e एक्सपोनेंट कहलाती है, डायमेंशन लेस होती है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि माइनस का मतलब ये डायमेंशन लेस हो जाना चाहिए, तो केवल एक चीज़ बचती है, आप इंटू कर सकते हो अलग अलग डायमेंशन का, जैसे मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, इंटू आप कर सकते हो, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी की चीज़ें नहीं कर सकते, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आपका वैलिड है, बाकी सब इनवैलिड हो जाएंगे। गुड वन, कोई किसी को डाउट हो तो मुझे पूछना बाकी, है ना, कहीं किसी एक आध क्वेश्चन की डाउट रह जाए तो छोड़ना मत, उसको पूछ लेना, ठीक है। आज तक तुमने अच्छा ए लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम जाते हैं द वेलोसिटी वी ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम टी इज गिवन बाय दिस वन वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, डायमेंशंस ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टली। आप एक चीज़ ध्यान से देखो पहले जवाब देने से पहले, दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2006 और ए आई पी एम डी 2006, वॉट एवर यू से, क्या आपने ध्यान दिया है इस टाइप का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी एकेडमिक्स में निपटा चुके हैं, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, और ध्यान से देखें मैं लिख देता हूँ, आपसे कह रहा है v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, और आपसे कह रहा है वेलोसिटी एट टाइम टी, v और t क्लियर है, ज़रा ध्यान देखें सबसे पहले हम कौन सी डायमेंशन निकालेंगे, सबसे पहले जो मैं डायमेंशन निकालूंगा वो ये होगी, क्योंकि मुझे मालूम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज इज पॉसिबल ओनली व्हेन दीज हैव द सेम डायमेंशन, जब उनकी डायमेंशन कैसी हो सेम हो, इसका मतलब ये क्लियर है सी और टी की डायमेंशन सेम है, यानी सी की डायमेंशन तो हो गई टाइम। आओ ज़रा चेक करो कोई ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है क्या, जल्दी से देखो, फर्स्ट ऑप्शन इतने से निकल गया ना, ठीक है। अच्छा अब बाई द वे, चूँकि अपन प्योर कॉम्पिटिटिव लोग नहीं हैं, अपन सीधे मेन्स में बैठने नहीं आ रहे, मेन्स में जाने कब बैठना है पता नहीं, कहीं होंगे तो बैठे नहीं होंगे, तो बाकी भी चेक कर लेते हैं, बाकी ये चेक कर लेते हैं कि आपने ध्यान दिया है कि अब इस टर्म की डायमेंशन वेलोसिटी यानी एल टी माइनस वन होगी, यानी पूरा का पूरा, मेरी बात समझ में आ रही ना, पहले टर्म एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन ये होंगी, और इसी की डायमेंशन एल टी माइनस वन ये होंगी, चाहो तो बी चेक कर दें चाहो ए, लेकिन मैं दोनों करूँगा क्योंकि मैंने कहा मैं डिटेल में होंगी, मेरा टारगेट केवल आंसर निकाल के भाग जाना नहीं है। ये एल टी माइनस वन है, यानी आप देखेंगे बी अपॉन टी, ये तो टाइम दिख ही रहा है, इज इक्वल्स टू कितना है, तो बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टी और टी माइनस वन कैंसिल, आपका एल बचेगा। देखो ध्यान से, तुम्हारा आंसर का सेकंड पार्ट क्रॉस चेक हो गया। अभी थर्ड चेक कर लेते हैं, ए टी की डायमेंशन भी यही होंगी। अच्छा, ए टी की डायमेंशन भी यही होंगी, मतलब मैं देखता हूँ ए टी की डायमेंशन ये होंगी, तो एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना होगा ए टी, मैंने डायमेंशन ही रख दी सीधी, है ना, इस टी को उधर पहुंचा दो, डिवाइड में जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा, यानी आपके ए की डायमेंशन कितनी हो जाएगी एल टी माइनस टू, एंड अगेन डबल क्रॉस चेक द थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही था। जल्दी के लिए हमने एक से निकाल लिया था, लेकिन मैंने क्या कहा था कभी बार फंस जाओगे, हमेशा ऐसा थोड़ी हुआ, हो सकता है तुमने टी मिलाया और इसमें तीन में लास्ट में टी दिया होता, फिर सेकंड चेक करते, और अगर सेकंड भी दो का सेम होता तो फिर तुम्हें थर्ड भी चेक करना पड़ता, क्योंकि भैया जहाँ आप हैं वहाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, और पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, उनमें तो आपको तीन ही निकालने पड़ेंगे, उनमें एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्या अभी क्वेश्चन हर किसी को क्लियर हो जाता है, हाँ या ना, और बताएं कोई डाउट किसी को, बी एट वाला रिपीट कर दीजिए, एट्थ वाला कौन सा था, क्वेश्चन नंबर एट्थ, ये वाला डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, ध्यान से देखो माधव,
डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, तो सिंपल प्रिंसिपल डायमेंशनल होमोजेनिटी का लगेगा, जिस पे अभी हम कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशन निकालते हैं, या अभी हमने इसी को किया है, टी प्लस सी की डायमेंशन, टी और सी सेम होने चाहिए। अभी इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एल टी माइनस वन। तो इसको देख लो, तुम्हें इसमें देखेगा आधे से ज़्यादा लोग प्लस माइनस वाले ही हैं, और प्लस माइनस वाले हैं मतलब इसका साफ समझ में आ रहा है दे हैव द डिफरेंट डायमेंशन से पहले कह रहा है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ये वैलिड नहीं होंगे। देखो अब तुम्हें समझ में आता है क्या, हाँ या ना बताओ। बोलो माधव सिंह जल्दी से बताओ, आ गया ठीक। और इसी फैक्ट का जो यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे उसी फैक्ट को हमने यहाँ भी इस्तेमाल किया, इसी को ध्यान होगा हमने इसमें इस्तेमाल किया था एक ही वाला क्वेश्चन था ना लास्ट, अभी हमने पिछले दिनों किया था, यहाँ नहीं किया था, यह अपन ने एकेडमिक्स में किया था। मैंने कहा था इन दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, इन दोनों की होंगी, क्यों, एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होंगे जब डायमेंशन सेम हो। बढ़िया, हाँ एक चीज़ याद रखेंगे कॉम्पिटिशन्स के लिए, जब हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सही और फास्ट रखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप तभी आते हैं जब आपके सब्जेक्टिव आप परफेक्शनल हैं। एक सिंपल सी बात कर देते हैं, उसमें बुरा कोई पर्सनल मत लेना, अगर आप 40% वाले स्टूडेंट हैं, 45% वाले हो, फिर आप कहेंगे मैं मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ और मुझे आराम से कराओ, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा ये कैलकुलेशंस ठीक रखना कि एल टी माइनस वन है, ए टी है, टी उधर गया, दैट विल बिकम टी माइनस टू, क्योंकि मैंने कहा ये उन्हीं के लिए हैं जो उस लेवल पे एस्पिरेंट्स हैं। एक और नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बढ़िया, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए नीट 2014 से, और इस टाइप के क्वेश्चन ये हम लास्ट राउंड में कर रहे थे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, याद आता है कि टाइम पीरियड इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, तो आप निकालें। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुतों बार आपको मिलेगा, बस इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन रामू का कहना है, वेल्डन, और होगा क्या, क्वांटिटीज बदलती रहेंगी, वो हर बार अलग आती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। क्या कह रहा है, फोर्स एफ और वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, फोर्स वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल ले लिए हैं, तो मुझे बताओ डायमेंशन ऑफ मास कितनी होंगी। अभी उल्टा कर रहा है, फोर्स डिराइव्ड मानते थे, MLT बेसिक मानते थे, तो फोर्स की वैल्यू निकालते थे, M की पावर दिस, L की पावर दिस, T की पावर दिस, उसने कहा उल्टा, हम मानेंगे M डिराइव्ड है, फोर्स बेसिक है। अब तुम बताओ M की वैल्यू फोर्स के टर्म्स में बताओ, बता देंगे, हमें क्या मालूम है फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम बेसिक है और मास की डायमेंशन चाहिए, तो मैं मान लूँगा मास डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर, वेलोसिटी पर, और अच्छा टी कैपिटल ले लूँ, नहीं कोई कहेगा सर स्मॉल क्यों लिया, अच्छा बना रहे लो राइटिंग है चाहे जैसा ले लो, अभी तो अपन रफ में है। जब आप वी टी करेंगे तो मैंने कहा उसके बाद आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था देयर मे बी द पावर्स, तो देयर मे बी द पावर्स में एक्स वाई जेड आप कंसिडर करते थे, अगली बार इक्वेट करेंगे, वो एकेडमिक सब छोड़ो, इक्वेट करके के लाते थे, के की जगह एम नॉट एल नॉट टी नॉट रखते थे, वो अपने को मालूम है। अभी हम डायरेक्ट चलेंगे, इधर क्या हो जाएगा आपका मास इज इक्वल्स टू, आपको एफ फोर्स की डायमेंशन मालूम है, ठीक, आपको वेलोसिटी की डायमेंशन मालूम है, आपको टाइम की डायमेंशन मालूम है, ये हो गए हमारे तीनों। और आगे बढ़ें, जो मैंने कहा था आपकी मैथमेटिक्स की भैया बेसिक कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में कोई आपसे थ्योरम्स प्रूव नहीं कराऊंगा, केवल इनटू डिवाइड प्लस माइनस आपके अच्छे हो। आ जाओ मास पर, सबसे पहले मास की पावर्स देखो, मास की पावर दिख रही होगी एक्स है और बस एक्स ही है और तो मुझे कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा, और ज़रा देखें एल की पावर एक्स है प्लस में वाई आएगा और कहीं कुछ नहीं है, बढ़िया। और ज़रा देख लें टी की पावर कितनी आएगी, टी की पावर माइनस टू एक्स है, टी की पावर माइनस वाई है, अरे और टी की पावर जेड है, तो मुझे बस इस स्टेटमेंट में बताओ इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, हाँ या ना, देख ले भाई इसमें डाउट नहीं है, तो इसके नीचे का पार्ट तैयार हम लास्ट राउंड पे 5-6 बार कर चुके थे, कईयों ने तो ऑप्शन ही बता दिए, डी आ रहा है, बढ़िया वेल्डन ठीक।
तो मैंने कहा इतने में डाउट, बस इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, तो साधारण कैलकुलेशन थी, आओ इसको हम लोग कर देते हैं हल्का सा। एम एक्स एम वन तो यहाँ से सीधा दिख रहा है, एक्स बराबर तो हुआ वन। अच्छा बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं हो, बोर्ड एग्ज़ाम में कल तक थे तो लिख रहे थे ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द टू साइड्स, अब ये सब हवा हवाई हो गई। एक्स इज इक्वल्स टू वन सीधा दिखेगा, एक्स वन मतलब ध्यान देखना एक्स क्या था फोर्स, मतलब आपके फॉर्मूले में फोर्स की पावर वन आएगी, यहीं से हमने लिख दिया। अब एक मज़ेदार बात, पिछली तीन बार एक जो एडवांटेज ले रहे थे इस बार नहीं मिलेगा, सब में एफ की पावर वन ही है। अब कर लो क्या करते हो, कुछ नहीं करेंगे, दूसरा ट्राई करेंगे भैया। एक्स प्लस वाई ध्यान देखो, एक्स प्लस वाई इधर एल है ही नहीं, एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है ज़ीरो, और एक्स प्लस वाई ज़ीरो होने का मतलब वाई बराबर हो गया माइनस वन, इसका मतलब वाई पे किसका था भी फिर फंस गए, अब भी नहीं निकला क्यों, वी की पावर माइनस वन दो बता रहे हैं, मतलब अभी और आगे निकालो, इतने से कहाँ काम चला। तीसरा क्या है, तीसरा ये है माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स बोले तो माइनस टू, माइनस वाई मतलब प्लस वन प्लस जेड, और इज इक्वल्स टू टी की पावर इस तरफ कितनी है, इस तरफ टी की पावर दिख रही होगी दैट इज़ ज़ीरो। अब मुझे एक बात बताएं क्या सभी लोगों को ये तेज़ी से करना समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताइएगा, क्योंकि मैं जो कोई नहीं ये नहीं कहेगा फिज़िक्स स्पीडली पढ़ा रहे हैं, फिज़िक्स स्पीडली नहीं पढ़ाई भैया, फिज़िक्स बहुत धीरे पढ़ाई है ये सब कहेंगे, लेकिन एरिथमेटिक्स टू प्लस वन और माइनस थ्री क्लास सिक्स और सेवन दैट शुड बी विद द स्पीड, दैट्स वाई वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट्स, क्योंकि यहाँ तो चलो हमारे पास टाइम है, या तो अपन सेकेंड मीटिंग के बाद थर्ड मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, पेपर में जाके थोड़ा ना कर दोगे बोले सेकेंड सेशन, इसलिए आ जाओ कितना निकलेगा जेड, मुझे लग रहा है माइनस वन, और जेड जाके उस तरफ हो जाएगा प्लस वन, और अब देखो जेड प्लस वन का मतलब टी की पावर आएगी प्लस वन, आप साफ समझ में आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं था अपना ऑप्शन था डी, और इसलिए जिन लोगों ने भी डी ऑप्शन भेजा है दे आर क्वाइट करेक्ट, उनको बधाई। अगर उन्होंने 2014 में नीट दिया होता, 2014 में कौन सी क्लास में थे, रहे होंगे तीसरी चौथी क्लास में रहे होंगे है ना तो तब अगर दिया होता तो अब तक तुम डॉक्टर बन गए होते है ना, तब क्या करें तुमने तब दे ही नहीं पाया। आओ एक नेक्स्ट देखते हैं 2015, फिर देखेंगे ध्यान से, अगले साल भी क्वेश्चन रिपीट था, और क्या रिपीट था, ई वी एन टी है रिप्रेजेंट एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम देन सरफेस टेंशन विल हैव डायमेंशंस, अब सरफेस टेंशन की डायमेंशन बताओ, फिर वहीं से चालू करेंगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा रिपीट क्वेश्चन है, बढ़िया वेल डन। ठीक बाकी लोगों के लिए मैं तेज़ी से करूँगा, रामू ने कहा है थर्ड ऑप्शन है बढ़िया, ये मैं जाता हूँ सरफेस टेंशन में इज इक्वल्स टू करता हूँ के, हमें मालूम है एम नॉट एल नॉट टी नॉट लाना है, ठीक है उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखना, नहीं तो आई टीचर नंबर काट लेंगे फिर तुम लड़ोगे आगे। तो मैंने कहा टी काय का डिपेंड करता है, डिपेंड करता है एनर्जी पर, ये डिपेंड करता है वी बोले तो वेलोसिटी पर, और ये डिपेंड करता है टी बोले तो टाइम पर, यही हो गई एक्स वाई जेड। अब लास्ट काम, किसी को सरफेस टेंशन की डायमेंशन याद है, चाहे एम टी माइनस टू करें, अभी पीछे कर रहे थे एक क्वेश्चन में, हाँ टेंशन और सरफेस टेंशन थे इज इक्वल्स टू एनर्जी, और मैंने कहा अब बेटा अब यहाँ पर वो लोग चाहिए जो एकदम प्रोफिशिएंट हैं, जब आप इनकी बात कर रहे हैं तो फिर आप ये नहीं कहेंगे मुझे ये याद नहीं है, मैं कहूँगा तो आप छोड़ दें इसको, दैट्स ऑल खत्म। एकेडमिक्स में मैं आपके साथ संघर्ष कर सकता हूँ, यहाँ कैसे करेंगे, आए वेलोसिटी याद है वेलोसिटी एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन वाई, और लास्ट आपका टी क्या था टाइम था, ये तो सिंपल सा है, ये पावर हो गई जेड। चलो एक केवल लास्ट हमें लाइन संभाल के लिखनी है और हमारा आंसर लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आओ एम रेज टू पावर कितनी नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है एक्स, बस एक्स ही है, इससे एक्स बराबर वन तो डायरेक्ट मिल गया, देखो क्वेश्चन करते ही करते हमने बाकी करेंगे बाद में, एक्स बराबर वन मिल गया, एक्स बराबर वन मिल गया, तो एक काम करो चारों ऑप्शन देखो, मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ए, ए,
फर्स्ट वन सही है। तो कुछ लोगों ने इसका तीसरा तो नहीं निकाला था, सभी ने इसका ए निकाला है। बढ़िया, 11th का ये सौम्या कह रही है सही ऑप्शन है। अब तो समझ आ गया, टाइम सेविंग बोर्ड में और इन कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और रखना, ये आप सीख जाएंगे। अभी आपको टाइम है, साल साल 2 साल है, कईयों के पास टाइम है, वो इस चीज़ को सीख लेंगे कि बोर्ड में हमें करते चले जाना है। यहाँ हमें के भी लिखना है, डायमेंशन लेस भी लिखना है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशन भी लिखना है कि भैया अभी हम जहाँ, ये हाइब्रिड क्लास है, हम लोग, मैं आपको जहाँ पढ़ा रहा हूँ आप जहाँ पढ़ रहे हैं हाइब्रिड है। हाइब्रिड बोलें तो एकेडमिक्स भी देखना है और वो भी देखना है, कोई अंतर नहीं है, फिजिक्स वही है, केवल पैटर्न में चेंज है। वो क्या है, एकेडमिक में कल तक थे पूरा लिख रहे थे, अभी बोर्ड में आए एकेडमिक में होते पूरा लिखता, सॉल्व करता एक्स वाई जेड, फिर आंसर में लाने जाता, यही करते ना एक्सरसाइज के एंड में। मैं इतना टाइम किस पे, यहीं देख लिया एक्स बराबर वन चेक किया, अरे बढ़िया एक्स बराबर वन का एक ही ऑप्शन है, हो गया ये खत्म बात, कौन आगे दिमाग लगाएगा। पिछली बार ध्यान दिया होगा, तीनों तीन बार चेक करना पड़ा था, कई बार यहाँ टाइम सेव भी होंगे। क्या ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन क्वेश्चंस के लिए, फिजिक्स के अलावा, फिजिक्स प्लस ये मुझे बताएं, समझ में आता है हाँ या ना? देख लें आराम से, क्या इस, बस इस चीज़ को अगर आप करने लग गए तो आप माने चलेगा आप सक्सेस हो जाएंगे। सही है, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें। नहीं देख रहा हूँ, काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन में आते हैं, कहीं में डरने वाली बात नहीं है। और चले चलते चलते हम आ गए 2020, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। सही कह रहे हो, देखो भैया तुम लोग सब जो कोरोना काल के बैच वाले हो, इसलिए तुम्हें दो डायमेंशन तो याद होनी चाहिए, एक स्ट्रेस और एक टेंशन। ये कुछ फैमिलियर से वर्ड है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा स्ट्रेस की डायमेंशन तुम कौन सी बता रहे हो, कहाँ चली गई? अच्छा इधर है, ML-1 T-2। ठीक है, आप तो आपके मेडिकल के जो तमाम सारे क्वेश्चन थे पिछले सालों में डायमेंशन से आए थे, वो हमने ख़त्म कर लिए। अच्छा ये मत पूछना इस चैप्टर से क्या इतने ही आते हैं, तुम्हें याद होगा जितने इधर हैं इतने ही क्वेश्चन एरर एनालिसिस से भी थे, और ये तो एक पूरा चैप्टर है ना, हम तो चैप्टर के केवल एक छोटे पार्ट पे हैं। नहीं, कई लोगों का ऐसा ध्यान जाएगा, बोले बस इतने ही क्वेश्चन डायमेंशन से। मैंने भैया ये मेजरमेंट वाला टॉपिक है, मेजरमेंट में 3 सब टॉपिक हैं और हर सब टॉपिक से 10 10 12 12 क्वेश्चंस लोगे तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 30 से 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इतने ही आते हैं एक पेपर में। मेजरमेंट के चैप्टर से 4 क्वेश्चन थोड़े आते हैं, एक ही आता है हर पेपर में, एक या मैक्सिमम किसी किसी ईयर में 2, बस नॉट मोर देन दैट, लेकिन हर साल 1 क्वेश्चन बराबर आपको मिलेगा। चल हो गया सभी से, अब जो मैथमेटिक्स वाले थे उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जनरली सबको ऐसा भ्रम होता है, बोले सर वो जी मेंस के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, सो लेट अस ट्राई दीज क्वेश्चन ऑल्सो, वी स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 2002, ओके, एंड देन सेम ऑर्डर में हम आगे ईयर बाय ईयर हम लोग आगे प्रोसीड करते आएंगे। मीटिंग आपके लिए बताऊँ एंड होने पर है जूम की, जो भी लोग हम बताएं ज्वाइन किए मीटिंग एंड हो अचानक तो दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आते हैं, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल, AIEEE 2002। जी मेन्स से पहले आपके एडमिशन ऑल इंडिया लेवल पे इसी से होते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2012 तक आप लोग यही देते थे, AIEEE 2000। देखें इनकी डायमेंशन सेम है, बढ़िया, सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब, आस्था का जवाब सही है, और कोई जवाब आएगा देख लूँ जरा। ठीक, ए ही है पक्का, ऐसा तो नहीं सब कह रहे हैं बोले इसलिए मैं भी ए ही बोल देती हूँ, क्यों खुशी बोल रहे? अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, बोले मैंने अपने मन से तुक्का लगाया है, आप क्या जानो। अब बेचारी खुशी भूलेगी भी नहीं अगले क्वेश्चन में, है कि नहीं? ठीक है चलो उल्टा चालू करते हैं, फोर्स एंड वर्क, फोर्स ML T-2, ML² T-2, कोई ज़रूरत नहीं ये भी लिखा जाए, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू समथिंग है तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रेस एंड एनर्जी, स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सब फोर्स अपॉन समथिंग है, ये फोर्स इंटू समथिंग है, हो ही नहीं सकता।
फोर्स एंड स्ट्रेस, ये अकेला फोर्स है, ये फोर्स अपॉन एरिया है, तो अकेला फोर्स अपॉन एरिया है बराबर कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। डायमेंशन जिन्हें याद है वो तो सुपर है, उनका तो एक सेकंड में देख के ही आंसर आएगा, टॉर्क एंड वर्क कितनी, बोले एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बोले क्यों, बोले रात में ही रटी थी, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी देखें, टॉर्क था फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों लगभग लगभग सेम है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज क्वाइट करेक्ट। ए जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही कह रहे हैं, माधव सिंह ने लिख के ही भेजा है एम एल टू टी माइनस टू, बढ़िया। द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, अब की बार उल्टा था सर, मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, इसलिए एक बात जरूर कहूँगा पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं तो धज्जियाँ हो जाएंगी। देखो जरा, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस क्या ये सेम है, बिल्कुल है, आपको मालूम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का डायमेंशन एम नॉट एल नॉट टी नॉट है, सेम है, एक्चुअली में तीन की डायमेंशन सेम है, प्रेशर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये सेम है। टॉर्क एंड वर्क अभी डिक्लेयर करके आए हो दोनों एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये सेम है। अब बचा मोमेंटम एंड प्लैंक कॉन्स्टेंट, ये दिख रहा होगा ये सेम नहीं है, प्लैंक कॉन्स्टेंट की एंगुलर मोमेंटम के सेम होती है, मोमेंटम के नहीं, ठीक। अब एक छोटी सी बात बचती है जो थोड़ा सा आगे की है, वो भी बता दूँ कुछ को रहेगा, ये क्या है, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली हम ट्वेल्थ में पढ़ते हैं या फिर आपने इलेवेंथ में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेवेंथ केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा पार्ट, और उसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है, ध्यान देखो, अंडर रूट हटाऊंगा पावर ऊपर ले जाऊंगा, अंडर रूट पावर 1/2 होगी, ऊपर ले जाएंगे माइनस 1/2 हो जाएगी। कई बार क्या होता है फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री भी काम में आती है बीच में, इसलिए कहते हैं केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने कहा वैसे तो ट्वेल्थ में हमारे पास भी आएंगी, पर इलेवेंथ में जहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिए हैं, ये फॉर्मूला दिया है जाके बुक में देख लेना, जैसे आप ये देखेंगे स्पीड ऑफ वेव का है, तो स्पीड और स्पीड ऑफ वेव इनकी डायमेंशन सेम है, तो केवल और केवल अपने पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है, चौथा, जिसकी डायमेंशन आर नॉट द सेम। अब बताएं सभी को समझ में आ गया कि कोई डाउट रह जाता है, इफ देयर इज एनी डाउट देन आस्क इट फ्रीक्वेंटली। ये हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक, देन हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डायमेंशंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या आपने ध्यान दिया है आपको कुछ स्पेसिफिक डायमेंशनल फॉर्मूले निकलवाए थे, ये आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, प्लैंक कॉन्स्टेंट, सही है, बिल्कुल सही है, और ये हमने कहा एक आपका कौन सा था कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, जिन्हें याद है उनके लिए मैं दिखा देता हूँ, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी आप जिस फॉर्मूले देते थे वो था विस्कस फोर्स है एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। अच्छा ट्वेल्थ वालों के लिए तो ये फॉर्मूला फेमिलियर है, ट्वेल्थ वालों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, इलेवेंथ में जो है उन्हें लगेगा ये लाए कहाँ से, तो टेंशन नहीं लें अपन ही लाएंगे, अपना आगे जाके एक चैप्टर पड़ेगा फ्लूइड मैकेनिक्स बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, उसमें ये फ्लूडिटी विस्कोसिटी, इसलिए मैंने कहा ये टेंशन मत लेना अचानक कोई नया फॉर्मूला क्या, ये सब अपने को थ्रू आउट द सिलेबस धीरे धीरे मिलते जाएंगे, यहाँ से मालूम है तो वहाँ जाके आपको एडवांटेज मिलेगा। ईटा इज इक्वल्स टू कितना हो रहा था, ये हो रहा था एफ अपॉन ए डी वी बाई डी एक्स। हाँ अब किसी ऐसे आदमी ज़रूर समस्या हो सकती है जिसने बेचारे ने इलेवेंथ पढ़ा नहीं हो, वो कहेगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, तो मैंने कहा उसमें कुछ नहीं हो सकता, आओ ईटा के लिए फोर्स कितना रखोगे, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया तुम्हें मालूम है एल स्क्वायर, वेलोसिटी यानी कि एल टी माइनस वन और अपॉन डिस्टेंस या डेप्थ एल, और एक सेकंड में मैंने कहा चूँकि यहाँ रुकने का टाइम नहीं होता, फोर्स रख दिया, एरिया रख दिया, वेलोसिटी रख दी, डेप्थ या डिस्टेंस रख दिए, एक एल से एक एल कैंसिल करो, एक एल से एक एल ये कैंसिल करो, ठीक, एक एम मिलेगा, एक एल माइनस वन मिलेगा, और सबसे खास बात t माइनस वन ऊपर जाके प्लस होगा,
तो माइनस टू प्लस वन ये मिलेगा। देखो कोई ऑप्शन है तुम्हें इसमें, आप कौन सा कह रहे थे आप, लोगों का कहना था, देख तो लो लोगों ने आंसर क्या दिया था, सी दिया था सबने। अरे वेरी गुड यार, सबने सी दिया था, गजब, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। चलें अगला देखें, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आसानी से आपको साफ नज़र आए। फिर वही क्वेश्चन है, ये आई ट्रिपल ई कंटिन्यूस वही क्वेश्चन आप देखेंगे, ईयर वाइज 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूस रिपीट हो रहे हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव दिया, अच्छा अभी यहाँ दिख रहा है सी है, बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले देखो ये तो तुम्हारा स्टार वाला है, इसलिए कहता है इसको याद रखना, ये तो जब चाहेगा तब एपियर हो जाएगा, कहीं भी हो जाते हैं दोनों। इम्पल्स और मोमेंटम दोनों सेम होते हैं, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का फॉर्मूला आपका एक ही है और वो है MLT माइनस वन। वर्क एंड टॉर्क, ये भी हम इन्हीं क्वेश्चंस को करते चले आ रहे हैं, तो नहीं याद होगा तो यहाँ से आ गया होगा कि ये तो हम 2-3 बार दिखा चुके हैं अभी अपने इन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज़ में, तो कुछ देर बाद दिखने लगेगा। क्वेश्चंस का एक सेट पैटर्न है, वंस वी हैव सॉल्व ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द एग्जाम्स टुगेदर, वो पैटर्न हमें समझ में आ जाता है, तो लगभग लगभग उस जगह आ जाते हैं जहां हम 2022 या 23 का पेपर देने की स्टेज में, हमें पता है आएगा यहीं कहीं से, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा तो बदलेगा, पिछला क्वेश्चन एज इट इज़ तो रिपीट होता नहीं है, लेकिन अपने को दिखने लगता है कि हाँ अपन उस जोन में हैं कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कम से कम इस कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, कौन सा बच रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स, यही चौथा ऑप्शन बचता है, नहीं होंगे। सर मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होता है, ये बता देता हूँ, ये आपका वही होता है जो टॉर्क था, एक्चुअली टॉर्क का ही एक और नाम मोमेंट ऑफ फोर्स कपल है। अब आप पूछोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो फिर कहूँगा आपका अभी एक 5वां 6वां चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, उसमें फोर्स कपल और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, ये तीनों पढ़ाए जाएंगे। बाकी आपने पूछा है तो बता देता हूँ, ये सेम होते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, वर्क, टॉर्क, तीनों एक ही हैं। शॉर्ट में चले जाए, इन शॉर्ट तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, सारे तीनों यही हैं। और वैसे भी अगर नहीं भी याद होता तो ये तीन से चेक हो रहा है, कभी कभार ऐसी कोई क्वांटिटी आ जाती है हमें नहीं पता होती, क्योंकि सारी क्वांटिटीज हर आदमी को याद हो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ ये चीज़ हेल्प कर जाती है, ये दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, तो बचा ऑब्वियसली। कई बार ऐसे भी हम इनडायरेक्ट रूट से भी आ जाते हैं। सभी को एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, हाँ ना बताएं? यस सर, ठीक है। आप 2016 ऑनलाइन सेशन का 10 अप्रैल 2016 को ABCD आर फोर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, थोड़ा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में, ये अच्छा क्वेश्चन था, हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, ये ध्यान दीजिएगा ABCD चारों के डायमेंशन अलग हैं, इनमें से कोई भी डायमेंशन लेस नहीं है कि तुम उन्हें डायमेंशन लेस मान के कर दो, बट वी नो दैट द इक्वेशन AD इज इक्वल टू CLn BD होल्ड्स टू। आओ मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, A into D इज इक्वल्स टू SC, जो LN लिखा हुआ है वो एक्चुअली होता है log, ये मैं आपको याद दिलाऊँ, हो सकता है pH वैल्यू लास्ट ईयर पढ़ रहे थे तब पढ़ते थे, log जो है और log ऑफ B into D, ये आपका रिलेशन सही है, ये याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ, एक्सपोनेंट e की पावर समथिंग और log और आपके साइन और साइंस, मतलब साइन ही अकेला नहीं है, साइन के साथ तो 6-7 की फैमिली होती है, तो यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा विद फैमिली, विद फैमिली मतलब कॉस ऑस जो भी है, ये सब याद रखिएगा, ये सब होते हैं डायमेंशन लेस। कल आपको याद होगा हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे साइन ओमेगा टी वाला, मैंने आपसे कहा था साइन कॉस ये फंक्शंस कैसे होते हैं, दीज आर डायमेंशन लेस। आए ध्यान देखें, इसका मतलब है ये क्या कहना चाह रहा है, AD इज इक्वल्स टू C log BD, ये टर्म डायमेंशन लेस है, इसका मतलब सी की डायमेंशन ए और डी के बराबर है, ये यहाँ से आप कॉन्क्लूड कर सकते हैं बाद में। अब ये क्या पूछना चाह रहा है, ये आपका रिलेशन बढ़िया है, अब ये कह रहा है देन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, इनमें से कौन सा मीनिंगफुल नहीं है। आज ज़रा ध्यान देखें, C upon BD minus AD square upon C, ए स्क्वायर माइनस ये सब दिए हैं, कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगेगा, ध्यान से देखो क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं पहले एक लाइन लिख देता हूँ,
डायमेंशंस ऑफ ए डी सी के बराबर है क्योंकि डायमेंशन लेस है। अभी ए डी की डायमेंशन सी डी सी के बराबर रखोगे, क्या तुमने ध्यान दिया है, ए डी आपका कैंसिल हो जाएगा सी से, एक डी बचेगा, यानी इसकी डायमेंशन कुल मिला के काय के बराबर बचेंगी, एक डी के, क्योंकि ए डी इंटू डी अपॉन सी है, ए डी और सी कैंसिल होंगे, कितनी डायमेंशन बचेगी, केवल और केवल डी के बराबर। अब उधर देखो, क्या तुम्हें ऐसा नज़र आता है, जो आपका ए डी और सी है ये टर्म आपका डायमेंशन लेस है, और अगर ये टर्म डायमेंशन लेस है तो इस तरफ आपकी डायमेंशंस आ रही हैं सी के बराबर, बी डी डायमेंशन लेस हुआ, ये डायमेंशन आ रही है, ये सी माइनस डी है, और सी माइनस डी तो समझ में आएगा ये मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है। इस ढंग से आप इन सब के डायमेंशन आराम से धीरे धीरे करके एक एक को कैलकुलेट करें बड़े मज़े से, ए स्क्वायर कितना होगा, सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के बराबर होगा, बी इंटू डी सॉरी बी सी चाहिए तो बी की वैल्यू रखेंगे, बी डी डायमेंशन लेस है, इसको एक एक करके आपको आराम से करना है। अब आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा मीनिंगफुल है और कौन सा नहीं है, ठीक। अब आराम से करें, साक्षी का कहना है इसका आंसर डी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों का कहना है इसका सी हो सकता है, बिल्कुल सही है। बाकी लोगों के लिए मैंने इतना कर दिया कि मैंने कहा इस ढंग से आप इसको पूरे को कैलकुलेट करें एक बार, मजे से निकालिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया बहुत साधारण सा, इसको देख लें ध्यान से, ये फिर आपके वही हैं जो भी हम मेडिकल वाले क्वेश्चंस में करते जा रहे थे, कौन से वही टाइम टी वेलोसिटी, चलो थ्री लिख दिया, वेलोसिटी थ्री नहीं वेलोसिटी होगा भी, एंड एंगुलर मोमेंटम है चार, चूजन एज दिस इंस्टीड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ दीज द डायमेंशन ऑफ मास। अब तुम्हें यहाँ से समझ में आने लगा होगा, आपके क्वेश्चंस रिपीटेशन पे आ गए, मेडिकल एग्जाम्स के लास्ट में भी हम यही निकाल रहे थे, और ध्यान देखें अब भी हम यही निकाल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ दीज द डायमेंशन ऑफ मास, तो मैं लिख दूंगा डायमेंशन ऑफ मास किसकी होंगी, बस ये बदलते रहेंगे, टाइम टी, टी की पावर एक्स, वेलोसिटी वी, वी की पावर वाई, और आपका एंगुलर मोमेंटम एच से लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, एच की पावर मैंने ले ली जेड। क्या ध्यान आता है, ये हमारा किया हुआ क्वेश्चन हो गया यहाँ के आगे एकेडमिक्स में भी और यहाँ पर भी। चलो देखो ज़रा ध्यान से, कोई इसको कैलकुलेट कर पाएगा क्या फुर्ती से, देखें क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखिएगा, जैसे 18 का या 17 का क्या होता है चैट मिक्स होने लगती है नहीं तो, सो मैं यहाँ कहना है 18 का फर्स्ट है, बढ़िया। अभी हाल चेक करते हैं, ये आपका टाइम है, टाइम की पावर एक्स, ये आपकी वेलोसिटी है एल टी माइनस वन की पावर वाई, और एच, एच आपको मालूम है ये एंगुलर मोमेंटम या प्लैंक कांस्टेंट, ये आपका था कितना था, एंगुलर मोमेंटम आपके लिए था, और पावर हमने ली हुई है जेड, बढ़िया। और भी लोगों का, रामू का भी फर्स्ट है, बढ़िया। बाकी लोग कैलकुलेट करें मेरे साथ कर रहे हो तो मुझसे ज़्यादा तेज़ी से कैलकुलेट करें, यही करोगे मास तीनों पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब तो समझाने का कोई खास वो नहीं, केवल क्वेश्चन की वो बदल गई वैल्यू, एम इज इक्वल्स टू कितना ले लोगे। सबसे पहले चलो एम से स्टार्ट करते हैं, एम मुझे कितने दिख रहे हैं, एम अकेला दिख रहा है जेड, और जैसे ही एम जेड दिख रहा है एक मज़ेदार बात, मेरी एक वैल्यू आ गई जेड बराबर वन, जेड बराबर वन का मतलब एच की पावर वन होगी, अच्छा एच की पावर वन होगी, इससे कुछ नहीं निकला क्योंकि या तो तीन ऑप्शन में एच की पावर वन है, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। दूसरे चले जाओ एल की पावर, देखो एल की पावर जाओगे एक बार आपको देखेगा वाई है, और एल की पावर प्लस टू जेड है, और ऐसे ही आप चले आइएगा टी की पावर, टी की पावर एक बार आपको देखेगी एक्स है, और टी की पावर माइनस वाई है, और टी की पावर माइनस जेड है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हुआ मजेदार सा, ठीक। जेड बराबर यहाँ से इतना तो हम निकाल ही लेंगे, कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, मैं ये डायरेक्ट लिख दिया एम से आपकी जेड की वैल्यू निकल आएगी, जो लोग कर रहे हैं यहाँ तक कर लें, क्योंकि मुझे इसको करके हल्का सा दिखाना पड़ेगा, कुछ लोग यहाँ पर अटक जाएंगे, बढ़िया। अभिषेक आपका भी आंसर फर्स्ट है, और जिनकी एरिथमेटिक्स थोड़ी सी कमज़ोर है मुझे हल्का सा उन्हें करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए मैं रुक गया हूँ, कोई अगर नोट कर रहा है तो इतने हिस्से को नोट कर दो।
एम की वैल्यू आपकी तीन पर डिपेंड कर रही थी, टाइम वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम पे, टी की पावर एक्स, वी की वाई और इसकी जेड। एम हमने ले लिया जेड, एल ले लिया हमने वाई प्लस जेड और टी ले लिया है माइनस वाई और माइनस जेड और एक था अपना एक्स। आ जाए जैसे यहाँ तक पहुँचें बता दीजिएगा। हाँ या ना, पहुँच गए क्या सभी लोग? यस सर। बढ़िया, जैसे आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं आए जो मैं करता, जेड वन आपने निकाल ही लिया, ये एक समस्या सॉल्व हो गई। अब ये दो इक्वेशन बच रही हैं, ये दो इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगी इनको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जो मैं करता कुछ लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्या आपको दिख रहा है यहाँ वाई प्लस टू जेड, उस साइड एल है नहीं, ये जी इक्वल्स टू जीरो है, ये एक इक्वेशन हो गई। इसको ध्यान देखो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड की वैल्यू आपकी कितनी है, ये वन है। तो जैसे आप उठाएंगे y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टू जेड, यानी y इज इक्वल्स टू हो गया माइनस टू। और तीसरी बार आप चले जाएंगे t इज इक्वल्स टू, और t इज इक्वल्स टू कह रहा हूँ t के कंपैरिजन में, तो मैंने कहा x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू जीरो, टी भी आपका नहीं है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, ये माइनस वन, y हमने कितना निकाला था, y हमने निकाल लिया था माइनस टू, तो ये हो गया आपका प्लस टू और x, यानी आपका x भी निकल आया और x कितना निकलेगा, माइनस का वन, ये वन और वन खत्म। अब चेक कर लो, अब तो कर लोगे y टू और माइनस टू वाली, देख लें किसी में माइनस टू माइनस वन कौन सा बता रहे थे आप, माइनस टू माइनस वन वाली, शायद ये थी आपकी फर्स्ट वाली, h वन है और माइनस वन माइनस टू ये है। देखें क्या आंसर थे आप लोगों के, सही है सी थ्री आएगा कि फर्स्ट आएगा, सही है सी नहीं आएगा, ये आएगा फर्स्ट। हाँ एच जेड वन था, माइनस वन भूल गया, इसका जेड माइनस वन है, देख लेना ध्यान से देखना, इसलिए मैंने एक बार कंप्लीट कर दिया। मैंने कहा तीन इक्वेशन वाला है, कुछ लोग फंस जाते हैं तीन इक्वेशन में जाके। चले एक नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको देखिएगा, अब क्वेश्चन कंप्लीट रिपीट है, बिल्कुल थ्रू आउट रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, स्पीड भी, एक्सलेशन है एंड फोर्स से। ठीक, बिल्कुल सही जवाब आप दे रही हैं। मैं एक लाइन आपकी हिंट के लिए लिख देता हूँ, स्पीड, अरे ये आपने मानी एक्सलेशन, ये हमने मान लिया, और फोर्स ये हमने मान लिया, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो यहाँ मैंने ले लिया डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, फिर याद दिलाऊँ यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन आपको याद हो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड आपका कितना था एल टी माइनस वन एक्स, एक्सलरेशन आपको याद हो दैट वाज एल टी माइनस टू वाई, और आपको फोर्स याद हो जेड, यानी कि एम एल टी माइनस टू जेड। बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाला है डी, बढ़िया, और देखें करके बाकी लोग भी करते हैं तो फुर्ती से आप कर सकते हैं, मेरे साथ साथ कर सकते हैं, मेरे आगे आगे भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अब वही एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो नाइन टेंथ की मैथमेटिक्स केवल सॉल्व करनी मेन रह गई है यार, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, करते जाओ मजे से। एक आध लाइन और मैं चल देता हूँ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एल की पावर कितनी आ रही है, एक्स वाई और जेड तीनों आ रही हैं, तो ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टी की पावर देख लो कितनी आ रही है, माइनस एक्स, टी की पावर माइनस टू वाई और टी की पावर माइनस टू जेड, और देख लो साथ में एम की पावर कहाँ लिखूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ, एम की पावर कितनी आ रही है, एम एक ही दिख रहा है, एम की पावर जेड, इससे आपको एम की वैल्यू तो सॉरी जेड की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। चलें निकालें आराम से, देखें कौन सा आंसर आ रहा है आपका, 19th का थर्ड आंसर है, आस्था का डी है, रामू का तीसरा है, अरे इसमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्रॉस चेक करें एक बार अपने आंसर्स, बहुत देर बाद ऐसा क्वेश्चन मिला है इसमें अलग अलग आंसर हो रहे हैं। चेक कर लें, एल एक्स एल वाई एल जेड, आपका टी टी और माइनस एक्स माइनस टू वाई और माइनस टू जेड, एम अकेला एक जगह जेड, एम जेड होते ही आपको मिल जाता है जेड इज इक्वल्स टू, इधर देखें एम तो जेड इज इक्वल्स टू वन तो मिल ही गया,
यानी एफ की पावर वन, एफ की पावर वन में तीसरा और चौथा ही आंसर पॉसिबल है। नहीं निकला किसी का? तीन वाला ठीक, आस्था भी थर्ड पे है, बिल्कुल सही है। अब आप सही हैं, z इज इक्वल्स टू, जैसे आप वन रखेंगे z तो मिल गया। अब आप पास दो इक्वेशन बन रही हैं, और दो इक्वेशन कौन सी बनेंगी, एक बार आप l के लिए कंपेयर करें, मैं दिखा देता हूँ। जिसने कहा था ये चीज़ एरिथमेटिक से बेटा, एक दो बार दिखा देंगे, बाकी आप करनी खुद पड़ेगी। इसमें रखोगे x प्लस वाई प्लस जेड, जेड में याद दिला दूँ, जेड बराबर हमने वन निकाला था ना, वन ही निकाला था ना, हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या आया, इसमें जाओगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बोले तो वन इज इक्वल्स टू l की पावर, इधर ये है l की पावर इधर कितनी है, माइनस वन, यानी आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अरे माइनस टू, कुछ भी इस इक्वेशन का नाम रख लिया तो वन ही रख लिया, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप अगला कंपैरिजन करें, किसका कंपैरिजन करें, आप कर दें टी का, टी का कंपैरिजन करोगे माइनस एक्स माइनस टू वाई और माइनस टू जेड, माइनस टू जेड, जेड बराबर वन था, बढ़िया सही है। तो ये होगा आपका माइनस टू जेड यानी माइनस टू, तो कम लोगों के आंसर आए इसलिए मैंने इसको एक बार फिर से सॉल्व किया। बेटा इक्वेशन सॉल्व करना 9th 10th अच्छे से सीख लीजिएगा, अगर आप ऐसे एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं तो जो मैं बात कर रहा था ए माइनस एक्स माइनस टू वाई और माइनस टू इज इक्वल्स टू टी, टी इस तरफ देखें दैट इज माइनस टू, यानी ये भी आपको इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, माइनस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू और प्लस टू, ये आपका शायद हो गया ज़ीरो आ जाए, कितना मिलेगा आपका ये देख लेंगे। अब आप कर पाओगे, हाँ या ना, अरे बाकी सब क्या शांत भाव से बैठ गए हैं सन्यासी अवस्था में। अरे भैया दो इक्वेशन बन गई हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे सुंदर तरीका, और यहाँ तो एक के ऊपर एक आ रही, ध्यान देखो सबसे सुंदर तरीका मैं एलिमिनेशन लगा दूँ, ये डायरेक्ट कैंसिल होंगे y माइनस टू वाई, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई और इज इक्वल्स टू शायद माइनस टू, यानी कि वाई बराबर टू हो गया, बस ख़त्म, बढ़िया वही तो मैं कह रहा हूँ, करो कम से कम आंसर आने चाहिए यार दो चार, ऐसा नहीं, और इतने से ही चेक हो जाएगा y बराबर टू से हो सकता है, और हाँ अगर y बराबर भी दोनों में टू हुआ गलती से, नहीं है ये और ये, इसमें माइनस टू है इसमें प्लस टू है, तो ये कन्फर्म हो गया यही वाला है, अगर ये भी दोनों में टू होता तो फंस जाते, फिर तीसरा भी निकालते और फंसते कुछ नहीं, इट विल बी जस्ट टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ फैसला टाइम का होगा, पहले ही देखते निकल गया मतलब 10 सेकंड, अगला निकालना पड़ा मतलब 20 सेकंड, और अगला निकालना पड़ा मतलब 30 to 40 सेकंड, केवल टाइम बढ़ रहा है ना, प्रोसेस बढ़ेगी ना कुछ और। बताएं क्या है क्वेश्चन, अब हर किसी को समझ में आ जाता है, हाँ ना बताएं। देखें ध्यान से, फिर आप देख लें, फिर आपका क्वेश्चन रिपीट है 2019, ज़रा देखें पिछली बार हम कहाँ थे, 2019 इवनिंग में थे, उसके पहले 2017 में थे, 16 में थे, देखो सारे ईयर्स अपने आप दिखता जाएगा। 8 अप्रैल 2019 को इवनिंग सेशन में भी यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बदला, अभी मत कहना सर ये तो बदल गया, तो मैंने कहा फिर तुम कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं बदला था। देखो सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लैंक कॉन्स्टेंट, आर टू बी टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मेरा अंदाज है इसको आपके लिए मुझे अब चूँकि मैंने सॉल्व करा दिया, नाउ आई कैन लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क, और मेरा मानना है अब कम से कम यहाँ बैठे हुए मैक्सिमम लोगों को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हाँ वो जी मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ, हाँ या ना बताएं, नहीं लगता लगता है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, और पहली लाइन अब लिखूंगा नहीं सिर्फ ओरल बोलूंगा, पहली लाइन क्या कहेगी, डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को किसी भी चीज़ से लिख देना जिससे तुम्हारी इच्छा हो,
चलो मैं लीनियर मोमेंटम को लिख देता हूँ पी से, तो ध्यान होगा मोमेंटम पी से ही लिखते हैं। इज इक्वल्स टू कितना होगा, सरफेस टेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लांक कांस्टेंट हो गया, क्वेश्चन ही हो गया खत्म। ये क्वेश्चन इलेवेंथ से खत्म हो चुका है, कहाँ पहुंच गया, नाइन्थ या टेंथ में, या नाइन्थ ही मान लो। सबकी डायमेंशन, सबकी पावर्स, एक्स वाई जेड की वैल्यू, और चेक कर लेना एक्स वाई जेड की वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर रही हो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा चौथा ऑप्शन आप इसका आंसर दे रहे हैं, बढ़िया। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, कुछ इसका तीसरा बता रहे हैं, कुछ चौथा बता रहे हैं। आराम से सॉल्व करें, ये होमवर्क के तौर पर, इसको मैं नहीं करूँगा। और इसीलिए ध्यान देखना, एक ये क्वेश्चन देखें, क्वांटिटी इज गिवन बाई एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच सी फाइव अपॉन जी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जी कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशन, एच इज प्लांक कॉन्स्टेंट, डायमेंशन ऑफ एफ कितनी होंगी। ये भी आप देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये लास्ट ईयर का ही था, 9 जनवरी 2020 मॉर्निंग सेशन, 9th of Jan को आपका जो 2020 का मॉर्निंग सेशन था, उसका क्वेश्चन क्या करता है, एफ बराबर इतना है अंडर रूट ऑफ 10, और एक आध मिनट लगना था केवल एच, कह रहा है आप एफ की डायमेंशन बताएं, एच क्या है, एच प्लांक कांस्टेंट। अब कम से कम आज के भी क्वेश्चन अगर तुम ईमानदारी से कर रहे हो तो प्लांक कांस्टेंट यानी एंगुलर मोमेंटम का तो मालूम है, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन सी फाइव, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड मालूम है तुम्हें, ये होती है एल टी माइनस वन। अच्छा, एल टी माइनस वन की पावर फाइव हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे हैं, 2002 से चलते चलते 18 साल से चल रहे हैं ना, 18 साल से पढ़ते पढ़ते देखो 2020 तक आ गए, तो इसलिए मैंने 18 साल में इतना तो कर ही सकते हैं। एल टी माइनस वन की पावर फाइव यानी के और अपॉन जी, जी यानी के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी पीछे हमने क्वेश्चन में पूछा था कितना होता है एम माइनस वन एल थ्री और शायद टी माइनस टू, चेक करें क्या यही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। यस सर। बस तो बचा क्या, अब तुम्हारे पास बची तुम्हें डायमेंशन याद हों, एक 30 सेकंड तुम्हें लिखने में लगे और अगले 20 सेकंड तुम्हें कैलकुलेशन में लगे। और कैलकुलेशन कैसी कैलकुलेशन, ऐसी कि आप कहते हैं एम माइनस वन ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो एम का तो हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा और क्या हो जाएगा इसके बाद, एल ऊपर हो रही है 5 और 2 7, नीचे से 3 माइनस होंगी, कितने बचेंगे 4। टाइम देखें, -1 -5 -6 +2 4, बढ़िया। और इनका निकालो अंडर रूट, अंडर रूट मत भूल जाना, जैसे अंडर रूट करोगे तो मैंने कहा था बस एक सेकंड और लगेगा, ये m रह जाएगा, l का 2 रह जाएगा, t का -2 रह जाएगा, ये नहीं याद आ रहा काय का है। इस डायमेंशन फॉर्मूले से 3-4 चीज़ें मैच करती हैं, नंबर 1 वर्क डन, दूसरा है एनर्जी, तीसरा आप देखेंगे टॉर्क, और चौथा अभी बताया था मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इन्हीं चार में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, या तो इन ऑप्शन में मैंने कहा क्या होगा, वर्क डन होगा, या एनर्जी होगी, या मैंने कहा टॉर्क होगा, तो तीनों में से जो दिख रहा हो, क्योंकि इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, हो जाएगा। मैंने कहा दैट सॉल्व फॉर दिस क्वेश्चन। एक फिर क्वेश्चन देखें, मुझे ऐसा लग रहा है अब अगर मुझे इसे करना पड़ा तो बहुत महान बात हो जाएगी। September 2020, अभी 7-8 महीने पुराना क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एरिया ए टाइम टी एंड मोमेंटम पी आर एज्यूम्ड एज, तुम ध्यान से देखो ये क्वेश्चन अपने समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड है कईयों बार, और एक में नहीं हर एग्जामिनेशन, जो मैंने कहा था आपको एक जोन मिल जाएगा, क्वेश्चंस करने का फ़ायदा ये है कि आपको एक एरिया मिल जाता है कि हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, या सर मान के चले मैं कुछ क्वेश्चन में एम्फेसिस देता हूँ पढ़ाते समय, इनको ध्यान से कर लेना, इससे समझ में आ जाता होगा क्यों वहाँ कहता हूँ ध्यान से कर लेना। फिर वही है, ये आपने फंडामेंटली कौन कौन सी, एरिया फंडामेंटली, टाइम फंडामेंटल लिया और मोमेंटम पी, इसको आपने फंडामेंटल लिया, और किसकी निकालनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी,
तो बताओ एनर्जी का फॉर्मूला, तो फिर वहीं पहुंचोगे, एनर्जी बराबर ए, ए क्या था आपका एरिया, यानी कि एल स्क्वायर की पावर एक्स, टी टाइम था, ये तो और छोटा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पी आपका मोमेंटम था, मैंने ध्यान दिया है छोटा क्यों है, क्योंकि तो पहले जो क्वेश्चन थे उनमें बड़ी बड़ी क्वांटिटी पकड़ा रहा था, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, इनमें आप देखें बड़ी 20 सेकंड का सी बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, वेल डन, समझ आ गया, ये तो और छोटू टाइप का क्वेश्चन था एकदम, बढ़िया आपने कर दिया, इट्स गुड, है ना। रामू, अभिषेक, सौम्या, गुड वन, क्या कर दोगे, एनर्जी आपकी लेफ्ट हैंड पे हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल्स टू, फिर वही करो, एम दिख ही नहीं रहा कहीं, एल है टू एक्स, और अरे एक आध में लिख देता हूँ बस, सही है, जो लोग अभी दिक्कत में उनके लिए रिजर्व क्या दिक्कत होगी, और टी पावर होगी आपकी वाई और माइनस जेड, ध्यान देखो दो इक्वेशन बन जाएंगी, टू एक्स प्लस जेड बराबर टू, वाई माइनस जेड बराबर माइनस टू, आप सॉल्व कर सकते हैं, जिन्हें अभी भी नहीं दिखे उन्हें और सॉल्व कर देता हूँ, टू एक्स प्लस जेड बराबर एल की पावर टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कहाँ से आई, ये एल से आई, ठीक है ना, और टी से कितनी आ रही है वाई माइनस जेड, ये इज इक्वल टू कितनी आ रही है टी की पावर माइनस टू, बस एक मिनट में निकल जाएगा, इस टाइप क्वेश्चन ओरल सॉल्व कर सकते हो, जेड खत्म, सही है ना, आगे चले आना, अब कर पाओगे, ठीक। एम का कंपैरिजन कर लेना, एम का इधर कुछ है ही नहीं, आराम से आप निकालें मजे से, अब मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही एंड हो गए करते करते, बढ़िया, तो अभी अपने पास 5-6 मिनट है, मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं मजे से, ठीक है ना। अब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, एफ इज द फोर्स, दिस इज एनर्जी, दिस इज द लेंथ, अब ये जरा लंबा क्वेश्चन है, ये है कुछ नहीं है, टफ नहीं है, लेंथ लास्ट क्वेश्चन है, कर देते हैं, देन द डायमेंशन ऑफ आई एफ वी स्क्वायर अपॉन एल फोर, टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, इट इज जस्ट द लेंथिंग, किसका सॉल्व नहीं हुआ, 20 सेकंड का सॉल्व नहीं हुआ मेरा, अरे 20 सेकंड में क्या नहीं सॉल्व हुआ, 20 सेकंड में तो आपका ये एरिया था, एरिया टाइम और मोमेंटम पी हमने, हाँ, और फंडामेंटल क्वांटिटी एक बार बताए थे, तो एनर्जी रखा था, एरिया का आपने रखा एल स्क्वायर, आपने टाइम का रख दिया वाई, और मोमेंटम का आपने एल टी माइनस वन, ये आपने रख दिया था जेड, एनर्जी को हमने रख दिया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, पावर ऐड कर दें, एल की पावर हो रही है आपकी टू एक्स प्लस जेड, यही हो रही ना, हाँ, और एक आप कह रहे अच्छा नीचे ऊपर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर देता हूँ, टी की पावर देखें, टी की पावर हो रही है वाई माइनस जेड, और कोई बच रहा है, एल की पावर टी की पावर वाई माइनस जेड, ठीक है, इसमें क्या समस्या आई, अच्छा वो मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, इसलिए जेड में मैंने मोमेंटम का एल टी माइनस वन रख दिया, एम रह गया है बेचारे का, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, वो शायद तुमने यहाँ से लिख दिया है, वो एक एम वही कह रहा है, एम का कंपैरिजन कहाँ गया, एम की पावर कितनी आ रही है जेड, और इधर कितना होता है वन, इधर आपका एक और कर दूँ, एम का गया जेड, और करोगे और दो इक्वेशन, और जेड बराबर आपको देखेगा वन, ख़त्म, जेड बराबर वन, वाई बराबर निकल आएंगे, कहाँ सॉल्व नहीं हुआ, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकली है, निकल तो आएंगे, हाँ निकल तो आएंगे, ऐसा क्या वही तुम्हें नहीं समझ आ रहा, ऐसा क्या, अच्छे सॉल्व करो, निकल आएंगे यार, सामने निकल रही है 1 2 3, नहीं हो तो फिर दोबारा पूरा कर देता हूँ एक साइड से, वैसे मुझे लग रहा है जो एक्स वाई जेड तुम खुद करो, शायद कोई कैलकुलेटर फॉल्ट कर गया हो, नेक्स्ट लिया ये भी आप बड़े आसान है, इसको मैंने कहा जो मेरे लिए करने लायक कुछ नहीं है, इसका निकालना है, क्या करोगे, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कह रहे हो तो हम कर देते हैं एम एल स्क्वायर, एफ क्या है फोर्स, फोर्स ही है ना,
एम एल टी माइनस टू बड़ा बड़ा लिख देते हैं। इसके बाद क्या है, वी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्ट करोगे एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल, एल क्या है लेंथ, लेंथ की पावर फोर कर लो तुम, इसमें क्या मतलब क्या करोगे, कैलकुलेशन ही करनी है, कर दो फुर्ती से लाओ, एक सेकंड में हो जाएगी। एल की पावर कितनी बच रही है, दो तीन और दो पाँच, पाँच में चार गए, एल की पावर बचेगी वन, एम कितने हो जाएंगे एक दो और ये हो गए दो, और आपका क्या चीज़ बचेगा टी, टी की पावर कितनी बचेगी आपकी माइनस की फोर है, कुछ गड़बड़, एफ इज द फोर्स नहीं आई अपॉन में, ये क्या आना चाहिए था इस क्वेश्चन में, अपॉन में कितना आना चाहिए था एनर्जी, अपॉन में एनर्जी और आनी चाहिए ना, क्योंकि ई और है और ई हमने कहीं लिखा नहीं। ओके इस क्वेश्चन में शायद कोई छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ओ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ एक ई और कहीं आना चाहिए था और डेफिनेटली नीचे रहा होगा, और अगर हम इसे कर दें माने चलो किसे ही कर ही देता, एक बार चेक कर लेते हैं, तय है कि उसमें एक छोटी टाइपिंग एरर रह गई है क्योंकि एनर्जी गायब है उसमें से, जबकि एनर्जी दी गई है, इज द एनर्जी, अगर एनर्जी करोगे तो एक एम गायब हो जाएगा, एक आपका बचेगा एल माइनस वन और टी हो जाएंगे माइनस टू, आप सही कह रहे हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपका निकल आएगा यंग्स मॉडुलस, आप बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक एनर्जी बढ़ा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो एक आध टाइपिंग मिस्टेक ऐसी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरा अंदाज है अब इतने सारे क्वेश्चन से, एक हमने जो है 22-23 क्वेश्चन कर दिए, क्या ये समझ में आया क्वेश्चन का मेन टाइप क्या है, और सबसे खास बात और माधव सिंह तुम्हारे पिछले क्वेश्चन की वैल्यू आ गई कि नहीं आई, अभी भी लटकी हैं, आ गई ठीक है, मैंने कहा एक आध बार कैलकुलेटर से कर लूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं सही बताऊँ क्वेश्चन मुझे जहाँ तक कराने थे तुमने ध्यान नहीं दिया, वो क्वेश्चन मेरे कराने लायक तो यहीं ख़त्म हो गए थे, जहाँ हम बात कर रहे थे यहाँ पर, एक सेकेंड हम आएंगे शायद यहाँ कहीं नहीं, ये तो शुरुआत थी और थोड़ा आगे बढ़ें, बस जैसे ही हम इस क्वेश्चन में पहुँचे थे ई वी एन टी आर वेलोसिटी एंड देन सरफेस टेंशन विल हैव द डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ, आप ध्यान देखें क्वेश्चन नंबर 11 पे, आपने ध्यान दिया क्वेश्चन नंबर 11 पे मेरे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके थे, क्यों, उसके बाद मैंने जो कुछ भी किया है वो आप खुद ध्यान जा रहा होगा, उन्हीं क्वेश्चन को बार 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 अलग अलग नामों से रिपीट किया है, देखने के तौर पर आदमी कहता जाएगा बोले क्या अंतर था, मैंने कुछ नहीं बोले, इतने 8 अप्रैल 2019 की इवनिंग सेशन का था, बोले ये आपका जो है 11 जनवरी का ये इवनिंग सेशन का था, ये आपका जो है 2017 का ऑनलाइन का था, केवल ईयर्स बदले हैं, ओनली द ईयर्स आर चेंज, ओनली द क्वांटिटीज आर चेंज बट द प्रोसेसेस आर 100% सेम एंड सेम। एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए 2-3-4 लगा सकते हैं, इससे आप सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ आप जी मेन्स हो या मैंने कहा नीट हो, इनके स्टैंडर्ड पे आप वर्कआउट करते हुए जा रहे हैं। अब किसी को बहुत ज़बरदस्त दिक्कत हो तो मुझे बताएं इन सारे क्वेश्चंस में, बोले कोई ऑब्जेक्शंस, नो सर,